जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराता है तो यूरेनियम जो कि एक अनस्टेबल एलिमेंट है दो छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है और साथ में तीन न्यूट्रॉन और रिलीज करता है। प्लस हमें एक यूरेनियम के न्यूक्लियस के टूटने पर तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। अगर फ्यूजन रिएक्शन की सूरत में पैदा होने वाले न्यूट्रॉन के सामने मजीद यूरेनियम के एटम्स हों तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन के सामने अगर यूरेनियम एक रॉड की सूरत में हो तो चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि निकलने वाले न्यूट्रॉन के सामने और यूरेनियम नहीं है। अगर न्यूट्रॉन के सामने यूरेनियम एटम एक हॉर्स शू के स्टाइल में पड़े हों तो निकलने वाले न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन ही चेन रिएक्शन स्टार्ट कर पाएगा और अगर हम यूरेनियम एटम्स स्फेरिकल फॉर्म में रख दें तो चेन रिएक्शन काफ़ी हद तक स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से हमें काफ़ी एनर्जी मिलेगी।